हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और ये वीडियो नंबर 7 है, यानी पार्ट नंबर 7। अगर किसी स्टूडेंट को पिछली वीडियोस देखनी है तो उनके तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 1, वीडियो नंबर 1 वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 2 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 5 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 6 पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 जो है, इसकी वीडियो अभी आप देख रहे हैं, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुसलसल जारी रहा था, और ऐसे टेंसेस की पहचान होती है रहा था, रही थी या रहे थे। तो आइए इनको समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की भी चार टाइप्स होती हैं। अफर्मेटिव उनमें से सबसे पहली टाइप है। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर इस्तेमाल होते हैं। वॉज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आई सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। पी एस का मतलब है पर्सन सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द ट्री। बर्ड्स चूंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, फ्लाई इसके साथ आईएनजी आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और द ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द ट्री, परिंदे दरख्त में उड़ रहे थे। सेकंड एग्जांपल, शी वाज ईटिंग राइस। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग जाएगा इसके साथ, राइस ऑब्जेक्ट है। शी वाज ईटिंग राइस, वो चावल खा रही थी। इसी तरह बॉयज जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ वर आ जाएगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी और हॉकी ऑब्जेक्ट है। तो बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे थे। इसी तरह द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगा, शाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, इन द स्काई, सूरज आसमान में चमक रहा था। इसी तरह द वुल्फ वॉज ड्रिंकिंग वाटर, भेड़िया पानी पी रहा था। वुल्फ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगा। आगे चलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इनका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। वॉज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई सब्जेक्ट के साथ आता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। उसके बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं। बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द ट्री। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का इजाफा हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। परिंदे दरख्त में नहीं उड़ रहे थे। इसी तरह शी वॉज नॉट ईटिंग राइस, वो चावल नहीं खा रही थी, सिर्फ नॉट का इजाफा हो गया। इसी तरह बॉयज वर नॉट प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे थे। इसी तरह द सन वॉज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, सूरज आसमान में नहीं चमक रहा था।
इसी तरह द वुल्फ वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आपने देखा कि नेगेटिव जुमले बनाना जो है बहुत आसान है। भेड़िया पानी नहीं पी रहा था। आगे चलते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आपको मालूम है मेरी पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले, सवालिया जुमले बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वॉज जो है आपको मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट और आई के साथ आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द ट्री। बर्ड्स चूंकि प्लूरल है थर्ड पर्सन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा वर। वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द ट्री। परिंदे दरख्त में उड़ रहे थे। क्या परिंदे दरख्त में उड़ रहे थे। इसी तरह वॉज शी ईटिंग राइस। क्या वो चावल खा रही थी। इसी तरह वर बॉयज प्लेइंग हॉकी। क्या लड़के हॉकी खेल रहे थे। इसी तरह वॉज द सन शाइनिंग इन द स्काई। क्या सूरज आसमान में चमक रहा था। इसी तरह वॉज द वुल्फ ड्रिंकिंग वाटर। क्या भेड़िया पानी पी रहा था। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, यानी सवालिया और इनकारिया। इसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर एज यूजुअल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि इसको नेगेटिव भी बनाना है इसलिए इसमें नॉट भी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द ट्री। क्या परिंदे दरख्त में नहीं उड़ रहे थे। इसी तरह वॉज शी नॉट ईटिंग राइस। क्या वो चावल नहीं खा रही थी। वर बॉयज नॉट प्लेइंग हॉकी। क्या लड़के हॉकी नहीं खेल रहे थे। इसी तरह वॉज द सन नॉट शाइनिंग इन द स्काई। क्या सूरज आसमान में नहीं चमक रहा था। इसी तरह इसकी लास्ट एग्जाम्पल है। वॉज द वुल्फ नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या भेड़िया पानी नहीं पी रहा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।